अस्सलाम वालेकुम वीरन विन्यू तुसी ठीक ठाक हो गए ते मैं भी ठीक हाँ। आप सुना तानू मैंने अपने इस दिमाग च रखे ते बीमार महफूज रखे आमीन। मैं कह रही हाँ गला मेरा ख़राब है, खांसी मैनू आ रही है, तबीयत मेरी ठीक नहीं, बुखार भी मैनू होया होया है। बस मौसम का जरा है ना असर होया है मेरे ते, जी सर्दी है ना वो मैनू लग गई। चलने किचन च हूँ हांडी बनाने हैं, काम मैं कह रही हूँ साढ़े मुकने नहीं, जिंद मुक जाने कम नहीं मुकने। इतने प्याज कट किया दो अदत, मैं टमाटर एक अदत तो चॉप किया, लसन तो हरिया मिर्चा तो नाल पानी रखा सी, तो आलूआं नूं असीं अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे घ्यो च। ए दरमियाने साइज़ के मैं कट किए, मैं क्या चलो अज आलू की भुर्जी बनाने हैं, तो फिर मेरा हो गया मूड चेंज। तो फिर मैं क्या चलो अज मसाले वाले रस मिसे आलू बनाने, बड़े टेस्टी बनते हैं। तो पहले ना तुम घ्यो पाना जो कढ़ाई च, तो नीचे आँच ऑन कर लेनी है, फिर आलू बिच सुट देने ने, तो उन्होंने अच्छी तरह चिप्स तरह तुम ना आलूआं कर लेना, जिस तरह चिप्स कड़ी दी ना फ्राई एंजी, तुम घ्यो च आलू फ्राई कर लेने। तो उस तो बाद मैं लसन टमाटर तो सब्ज़ मिर्चा तो जिहड़े भी नमक मिर्च मसाले वो बिच सुट दिते, उस तो बाद थोड़ा जिहा पानी घुट सुटिया, तो उस तो बाद मैं प्याज भी सुट दिते, सुट के तो उन्होंने पानी पा के तो मिक्स साइड पर रखता कि पकते रहन। तो देखो उन्हें सही बनते कि नहीं बनते, पर बहुत ही टेस्टी तो बड़े ही मज़ेदार साढ़े आलू बने से। मैनू सी कि प्याज खड़े ना रहे, बहुत ही अच्छा मसाला इन्हों रेडी होया। तो नाल एक साइड तो फिर मैं अंडा उबाइल करता, क्योंकि मेरी तबीयत हुई सी खराब, मैं अंडा उबाइल करके खाने, चीनी मैं एक चम्मच सुट दिती, तो इनू हाफ उबाइल सी, तो इनू फिर मैं खा लिता। तो उ प्याली च मैं फिर चाय अपनी भुन लीती, चाय बहुत ही मज़ेदार बनी हुई सी। ए देखो आलूआं दा सालन साडा मसाला, प्याज जरा सी ना खड़ा खड़ा, मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छा हो गया, विच मेल्ट हो गया, ग्रेवी बन गई बड़ी अच्छी अच्छी तरह की। भुनाई करके दोबारा तो एक गिलास पानी फिर ए सुट के, तो इनू दम वाली आँच ते रख के मैं अंदर गई, तो एदा बहुत ही गाढ़ा शगना जहा ना शोरबा बन गया। मैं इन्ना गाढ़ा नहीं चाड़ी सी, मैं कह रही सी जरा एक रस मिसा हो जिस तरह चू नज़र आता पिया, तो पर बहुत ही गाढ़े हो गए सी आलू। फिर मैं रोटियां बना लीतियां अन्नी कांच करके, तो ना इंजे ढक्कन दे के, तो मैं अंदर चली गई। जो मैं दोबारा आई ना तो एदा पानी हो गया सी खुश्क, तो फिर असी रोटियां भी मैं बना लीतियां। बनाने तो बाद ए देखो कि इस तरह का हो गया से रेडी ग्रेवी वाला, बड़ा ही टेस्टी, इन्ने मज़ेदार आलू बने। मैं तानू की दसा, मैं कह रही हाँ ए मुर्ग मसलम नू भी पिछड़ छड़ देगा, बना के देखना ट्राई करना, तो बहुत ही जबरदस्त बने ने मेरी रेसिपी नाल। तुसी भी बनाना, तानू पता तो लग ही गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, बड़ी आसान बनाना। फिर थोड़ा जिहा पानी पाया, मैं कह रही हाँ फिर सुक गया। इतने रोटियां तैयार कीतियां मैं, सब तो लास्ट रोटी सी, इनू मैं घ्यो लगा लता अच्छी तरह, तो तरफा लिता इनू तवे ते, आँच बहुत हल्की सी, हल्की आँच ते रोटी बड़ी अच्छी बनती है। बाकी रोटियां मैं सादियां पका के इच रख दित्तियां, ते रोटी नू फिर एक कनाली लिती है, मैं कनाली च रोटी रखांगे, ते छोटी जिहड़ी प्लेट होएगी मिट्टी दी, उहदे च असीं सालन निकालांगे। डिश आउट करके तुहानू मैं दिखावांगी। ए देखो दो बर्तन लिते जे, एक कनाली रोटी वास्ते ते सालन वास्ते छोटी, ते वड्डी रोटी वास्ते। ते रोटी साडी रेडी हो चुकी है, उपर ही घ्यो लाया, कोई पराठा शराठा नहीं इहदा मैं बनाया। तो यह रोटी बनाई मैं फातमा नूं दांगी, असी सादी रोटी खावांगे सारे। चलो हुण डिश आउट करके तुहानू सालन भी दिखाने। देखो किडे जबरदस्त से साढ़े आलू बने जे, किन्ना ही संघना इन्हां दा शोरबा है। मैं कह रही बहुत ही टेस्टी सी, बड़ा ही मज़ेदार सालन साडा अज दा रेडी होया आलूआं दा। अचानक मैं उठी, अंडे भी सी, मैं चलो उबाइल करके डालने आ, पर मेरी तबीयत कुछ ऐसी सी, सिर्फ मैं आलूआं दा सालन तैयार किया, तो अंडे फिर मैं पाने ही भुल गई। तो कोई गल नहीं, इंज हों माशाल्लाह अलहमदुल्लाह अज्ज का खाना साडा रेडी हो गया, जे आलू शोरबा रस मिसा जहा तो नाल रोटी घ्यो वाली, बाकी मैं सादियाँ पकाइयां, तो असीं हुण खावांगे। माशाल्लाह अलहमदुल्लाह बड़ा ही टेस्टी सालन साडा रेडी होया है। तो उम्मीद करांगी साडी अज्ज दी शेयरिंग तुहानू अच्छी लगी होगी। चैनल ते नवे सबसक्राइब करना, लाइक करना वीडियो नूं, ते अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, ते रब रखा।